वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है ना जो सबने सुना है, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ईजी वे में ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, और आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये हेनरी फ्यॉल के जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कितने ईजी है। इसको आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि वाह बहुत ईजी है। मतलब मैं अभी तक हम जिस तरीके से पढ़ते आ रहे थे वो तरीका बहुत गलत था, और जो तरीके से अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये ऐसा नहीं है कि आज समझ में आएगा कल भूल जाएगा, ये आपको परमानेंट आपके दिमाग में रहने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहो, आपको 10 मिनट में आ रहा हूँ ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलो चलते हैं हम अपने डायरेक्ट फर्स्ट टॉपिक पे। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, सॉरी फर्स्ट टॉपिक नहीं, हम पहले समझ लेते हैं कि हाँ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया है तो क्यों बनाया गया और किसने बनाया है। तो यहाँ ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये किसने दिया है, ये दिया है हेनरी फ्यॉल ने। अब ये हेनरी फ्यॉल कौन है, हेनरी फ्यॉल कौन है, ये अभी मैनेजमेंट का भी इन्होंने प्रिंसिपल बनाया। तो ये एक माइनिंग इंजीनियर थी फ्रेंच के, लेकिन जब वो क्या किए वहाँ, वो अच्छे से वर्क करते करते जब वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, उनको बहुत सारी बातें मैनेजमेंट की समझ में आई कि हाँ मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए और किस वे में क्या होगा, बिजनेस ग्रोथ होगा, किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो उस बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया कि ये 14 प्रिंसिपल उन्होंने दे दिए, और ये 14 प्रिंसिपल बहुत सारे बिजनेसमैन और ये मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। अभी लाइक हमें कोई भी चीज़ अगर करनी है, चाहे हमारा पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, पिकनिक जाना है, या ऑफिस चलाना है, घर चलाना है, स्कूल चलाना है, कुछ भी चलाने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट रहना चाहिए। बिना मैनेजमेंट के तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैनेजमेंट में कौन सा लॉ एंड ऑर्डर, मतलब किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, वो हो गया ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और भी बहुत सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, लेकिन ये बहुत इजी है। और एक आपको, जैसे अगर आप 12th के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये कंपलसरी बेसिस पे कि एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए आपको डिस्टिंग्विश मिल सकता है, देन क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स का आ सकता है, समटाइम 5 मार्क्स का आएगा, तो कभी 7 मार्क्स का आएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाएगा ट्रू फॉल्स ये सब में से। तो ये पॉइंट को तो आप कभी मिस नहीं कर सकते हो, और ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। तो हम आते हैं, पहला हमारा सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे तो क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या समझ में आता है, डिवीजन ऑफ वर्क से समझ में आता है कि अगर काम है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस काम को, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि जिसको जो पसंद आ रहा है वो काम कर लो। यहाँ किसकी, मतलब कौन सा स्किल है, कौन से स्किल्स है, किसकी क्या चॉइस है, मतलब कौन किस डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है या कौन किस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट है, हम बोल सकते उस इंसान को उस तरीके से क्या करना चाहिए, वर्क को डिवाइड करके देना चाहिए। इतना समझा कि वर्क जब डिवाइड कर दिया जाएगा कि हाँ परचेज डिपार्टमेंट का काम परचेज को हैंडल करना है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम सेल्स को, मतलब सेल्स का काम सेल्स डिपार्टमेंट को हैंडल करना है, और इसी तरीके से अकाउंटिंग का काम हमारा अकाउंटेंट संभालता है, सेल्स का मतलब सेल्स मैनेजर संभाल रहा है, उसके नीचे वर्क कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ डिपार्टमेंट डिवाइड हुआ है, ये समझा। तो यहाँ इसीलिए बताया गया है कि जो काम अगर मैनेज करना है तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्क को डिवाइड करके अलग अलग लोगों में बांट देना। इतना समझा, तो डिवीजन ऑफ वर्क में ये समझा गया। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या समझ में आ रहा है, अथॉरिटी का मतलब पावर, अथॉरिटी मतलब किसके, अभी मैं क्या बोलूँगी, अगर किसी ने पूछा कि तुम्हारी अथॉरिटी क्या है, मतलब वहाँ वो पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कितनी पावर है वहाँ। तो यहाँ क्या बताया गया है इस प्रिंसिपल में, हेनरी फ्यॉल इन्होंने ये बोला है कि अगर तुम किसी इंसान को अथॉरिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी के साथ उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। अगर अथॉरिटी ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो वो अथॉरिटी का क्या करेगा, मिसयूज़ करेगा, और अगर अथॉरिटी कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो वो खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। यहाँ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना समझा, यहाँ मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो कैसा, अगर आप समझो कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, ओके, मैंने एक इंसान को बोल दिया, मिस्टर ए को बोल दिया कि एक काम करो कि आप पार्टी ऑर्गेनाइज करो, वहाँ और भी लोग हैं बी सी डी, तीन और इंसान हैं, लेकिन
अभी मैंने तो उन्हें क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दिया है. क्या दिया मैंने, वो मिस्टर ए को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है. लेकिन अभी तो किसी को पता नहीं है कि एक उनको पावर नहीं दिया है. अभी पावर मतलब मैंने तो बस काम बता दिया है कि तुम्हें पार्टी ऑर्गेनाइज करना है. लेकिन अब ये अगर दूसरे पर्सन को बोलने जाएगा कि हाँ, मिस्टर बी को बोलेगा तुम ऐसा नहीं ऐसा करो या ये काम करो, तो क्या वो सुनेगा? वो लोग तो चारों के चारों सोचेंगे कि हम सेम लेवल पे हैं, हम क्यों मिस्टर ए की सुने. जब तक मिस्टर ए को मैं ये ना बोल दूँ, सबको सबके सामने मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मिस्टर ए जो है वो तुम चारों का लीडर है. अगर मैं ये बता दूंगी तो उसके बाद मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी एक ही बात सुनेंगे, क्योंकि अब मैंने क्या किया, मिस्टर ए को अथॉरिटी दे दी, एक लीडरशिप, उनको लीडर बना दिया. तो यहाँ क्या हो गया कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा तो अथॉरिटी भी दो, और अथॉरिटी है तो उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी. आई होप समझा हुआ. उसके बाद आता है डिसिप्लिन. अगर आप अभी यहाँ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन से क्या समझ में आता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए वहाँ एक डिसिप्लिन बना कर रखना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन रहना चाहिए कि हाँ कोई भी काम इस तरीके से करना है और क्या काम को नहीं करना है. अगर डिसिप्लिन या डू और डोंट्स नहीं रहा तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ये होगा कि कोई कुछ भी करेगा. वहाँ कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, कंपनी में कोई भी एंटर हो सकता है. अभी जैसे हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करने के लिए हमारे पास आईडी कार्ड कंपलसरी होते हैं. अगर आईडी कार्ड नहीं है तो आप एंट्री नहीं कर सकते. लेकिन अगर ये डिसिप्लिन वहाँ फॉलो नहीं हुआ रहता तो वहाँ कोई भी एंटर करेगा. तो यहाँ क्या हो रहा है, ये गलत है. तो इसीलिए बताया गया है कि मैनेजमेंट, अगर आपको कोई बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है तो वहाँ मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे हेनरी फर्म में. उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड से क्या समझ में आता है, यहाँ बताया गया है कि अगर आप एक पर्सन को कोई डायरेक्शन दे रहा है, मतलब ऑर्डर देता है, तो उसे एक इंसान को ही, एक इंसान मतलब ऑर्डर देने वाला रहना चाहिए. चार इंसान अलग अलग ऑर्डर एक इंसान को नहीं दे सकते. जैसे अगर मैं हूँ और मुझे मिस्टर ए ने बोला, मिस्टर ए मेरा बॉस है, तो मिस्टर ए मेरे को बोलता है कि मतलब बोलते हैं मिस्टर बोलते हैं कि चलो किरण तुम क्या करो, आज ऑफिस की सारी फाइल्स को मेरे सामने लेकर आओ और उसको क्या करो, रीचेक करो, देखो कुछ प्रॉब्लम है या नहीं. अभी मेरे को ऑर्डर देने वाले एक सर नहीं है, मेरे को चार है. तो उसी वक्त तुरंत बोलते हैं कि मिस्टर बी जो है वो मेरे को बोलते हैं कि क्या करो, फाइल्स वगैरह रहने दो, तुम अभी ये क्या करो, अकाउंट्स को मैनेज करो. ओके, मैं ए का काम छोड़कर मैं अभी बी का काम करने आई हूँ. तब तक मिस्टर सी जो मेरे तीसरे बॉस है वो आकर मुझे कुछ और काम दे. तो यहाँ क्या होगा, क्या यहाँ काम हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता है. जहाँ आपको अलग अलग जगह से ऑर्डर मिल रहा है तो हम ना ये काम प्रायोरिटी पे रहेगा ना ये रहेगा, कौन सा काम करना है वही गड़बड़ हो जाएगा और काम प्रॉपर होगा नहीं. तो यहाँ बताया गया है कि यूनिटी ऑफ कमांड में कि आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ आपको ऑर्डर देने वाला एक बॉस होना चाहिए. एक इंसान को चार जगह से ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए. तो एक प्रॉपर सुपरवाइजर, एक प्रॉपर ऑर्डर देने के लिए लीडर रहना चाहिए. देन उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम देख सकते हैं कि अगर समझो कि मुझे क्या, अभी यहाँ डायरेक्शन में मतलब कैसा है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन रहना चाहिए, जो एक गोल डिसाइड होना चाहिए, वो एक गोल रहना चाहिए चार ने. अगर हमारे पास चार डायरेक्शन है तो हम चार जगह जाने में कोई यहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ, तो यहाँ इस टाइम पे हमारे कंपनी का जो एम है, जो गोल है, वो क्या हो, नहीं अचीव हो पाएगा. अगर कंपनी का एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना, और फिर वहीं अगर कंपनी ने एक और गोल रख लिया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यहाँ क्या होगा, तो कोई प्रॉफिट के पीछे जाएगा तो कोई वेल्थ के पीछे जाएगा. तो यहाँ ना प्रॉफिट हो पाएगा ना वेल्थ हो पाएगा. तो हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ कंपनी का जो रहना चाहिए डायरेक्शन, वो एक सेटअप रहना चाहिए कि हाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इस साल का ग्रोथ हमारा एम है. तो कंपनी के पास एक ही एम रहना चाहिए कि सारे एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं वो एक ही एम के लिए वर्क करें. तो जो डायरेक्शन हमें मिली है वो एक ही डायरेक्शन रहे, हमें चार जगह जाने की जरूरत कम है. तो ये हमारा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. देन उसके बाद आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. यहाँ क्या होता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब
यहाँ बोला गया है कि जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से मैच होना चाहिए। अब वो कैसे, जो क्लासेस रहते हैं, क्लासेस में क्या रहता है कि क्लासेस का गोल रहता है कि बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लोग स्कोर करें और ओवरऑल मतलब क्लासेस का नाम होए कि हाँ मेरे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका अच्छा मार्क्स आया। तो यहाँ एम या गोल जो रखे हैं वो रखे हैं कि ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइजेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, अब स्टूडेंट एक तो नहीं है बहुत सारे, उन सबको मिलाकर वो लोग क्या करेंगे, अब वो लोग हेल्प करेंगे क्लासेस को उनके गोल तक पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट का एम है वो क्लास ऑर्गेनाइजेशन के एम से मिलता जुलता है। कैसे, स्टूडेंट को भी तो ज़्यादा मार्क्स चाहिए ना, पास होएंगे ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो अच्छा रहेगा, तो उसी तरीके से उनका भी क्या एम हो गया, तो दोनों का मिल रहा है। तो वहाँ जब ऐसा होगा तभी बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होगा, समझा। उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन से क्या समझ में आता है, यहाँ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से ये समझ में आता है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हाँ जो पावर होती है वो पावर क्या होती है, एक इंसान के पास होती है, एक हेड के पास होती है। जैसे अगर हम लोग सारी पावर कुछ चीज़ों को लेकर, यहाँ हमारे जो हेनरी फॉल है उन्होंने बताया है कि कुछ चीज़ों की जो डिसीजन मेकिंग देना चाहिए कि हाँ कौन से टाइम से कितने टाइम वर्क करना है, क्या है ऑर्गेनाइजेशन में क्या गोल रहेगा, वो एम क्या रहेगा, उन्होंने टॉप लेवल को दे दिया। तो यहाँ क्या कर दिया गया, यहाँ वो बनाने का कि गोल क्या है, गोल सेट करने की पावर किसके पास है, टॉप लेवल के पास है। तो यहाँ सेंट्रलाइजेशन किया गया। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ सबके पास पावर आ जाती है, एक के पास नहीं है, मिडिल लेवल लोअर लेवल के पास भी है, यहाँ कब से कब मतलब किस तरीके से वर्क करने का, कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन सा मटेरियल अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, बिकॉज वो एक्चुअल में उसमें वर्क करते तो उनको ज़्यादा नॉलेज रहेगी। तो इस तरीके से हमारे जो हेनरी फॉल है उन्होंने बताया है कि अगर बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं तो यहाँ सेंट्रलाइजेशन कुछ पार्ट में रहना चाहिए और कुछ पार्ट में डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है वेजेस, सैलरी, तनख्वाह, जो आपने सुना होगा। तो यहाँ क्या हो, यहाँ जो रहता है यहाँ बोला गया है इस प्रिंसिपल के हिसाब से कि किसी भी वर्कर को उसके एक्सपीरियंस, उसके मेहनत, वो उसके स्किल सबको देखकर क्या करो, एक फेयर रेम्यूनरेशन दो। अभी समझो मिस्टर ए है, एग्जांपल ही देखो, मिस्टर ए ने, ए कुछ काम नहीं करता है, वो हमारे मिस्टर ए के पास स्किल्स है या तो नहीं है, नहीं है समझो, मिस्टर ए के पास स्किल्स भी नहीं है और वो आते हैं 9 hours ऑफिस में देते हैं, 9 hours में से 1 hour या 2 hour कुछ वर्क कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो क्या ऐसे एम्प्लॉयज़ को रखना चाहिए? और उसकी जगह पे समझो चलो छोटा मोटा उनका कुछ काम है वो कर भी ले रहे हैं, मिस्टर बी है जो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, सेम पोस्ट है, पोस्ट भी आप सेम समझो। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इनके वर्क ज़्यादा है, ये ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि अगर मिस्टर ए को 10,000 और मिस्टर बी को भी 10,000 दे रहा है तो यहाँ फेयर नहीं है, यहाँ जो रेमुनरेशन है वो फेयर नहीं है। इसीलिए तो यहाँ क्या करना चाहिए, मिस्टर बी को ज़्यादा सैलरी देनी चाहिए और मिस्टर ए को कम, क्योंकि वो काम भी नहीं कर रहा है, ज़्यादा स्किल भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट मिस्टर बी को है। तो यहाँ वही बताया गया है जैसा हम भी जाते हैं, अगर कभी आप जाते रहोगे इंटरव्यू देने, वहाँ आपको पूछा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी सैलरी बढ़ती है। तो उसी तरीके से यहाँ भी बताया गया है कि मैनेजमेंट मतलब एक बिजनेस को सही तरीके से रन करना है तो इस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को भी फॉलो करो। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्केलर चेन। स्केलर चेन से क्या समझ में आता है, स्केलर चेन मतलब एक चेन वाइज काम होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप लेवल को डायरेक्ट में लोअर लेवल के पास आकर बात करना पड़े, जैसे अभी CEO है कंपनी का या डायरेक्टर्स है जो भी, अभी उनको अगर कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है तो क्या वो डायरेक्ट आकर जो वर्कर काम कर रहा है मशीन क्या क्या उससे बात करेंगे? फेयर है? आई डोंट नो। देन उसके बाद अगर वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे वर्कर्स मशीन ख़राब हो गई है, तो वर्कर्स को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट जाकर डायरेक्टर को बोलना चाहिए सर देखो देखो मशीन नहीं चल रही है, ऐसा करना चाहिए? डेफिनेटली नहीं। तो यहाँ इसको प्रॉपर सिक्वेंस वाइज फॉलो करने के लिए हमारे पास स्केलर चेन रहती है।
जो टॉप लेवल रहती है, उसके बाद मिडिल लेवल रहता है, उसके बाद लोअर लेवल रहता है, उसमें भी ग्रुप रहती है कि टॉप लेवल में हमारे CEO, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ देन, उसके बाद मिडिल लेवल में हमारे टीम मैनेजर और सुपरवाइज़र ये सब रहते हैं, और लोअर लेवल में हमारे वर्कर्स में भी रहता है कि यहाँ एक टीम लीडर है सब। तो यहाँ ऐसा रहना चाहिए कि अगर वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो पहले उन्हें टीम लीडर से बात करनी चाहिए, टीम लीडर फिर सुपरवाइज़र को बताएगा, सुपरवाइज़र फिर के मैनेजर को बताएगा, फिर मैनेजर डायरेक्टर को बताएगा। इस तरीके से सिक्वेंस फॉलो होना चाहिए, चैन फॉलो होनी चाहिए, तो ये बताया गया मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में, इसके अलक्षण रहनी चाहिए। ओके, आई होप। देन उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब यहाँ हम किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे, ये वाला ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर वाइज काम रहना चाहिए। मतलब ऑर्डर वाइज काम मतलब क्या, अगर मुझे कहीं जाना है, कहीं घूमने गई हूँ या किसी भी एक न्यू प्लेस पे गई हूँ, अगर मेरे पास सामने से मुझे पता नहीं रहेगा, जैसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ, आप जा रहे हो मार्केट में, मार्केट में अगर सारी चीज़ें मिक्स करके रखी रहेगी या आपको पता ही नहीं है कि हाँ वो जूस की शॉप है, वो आइसक्रीम की शॉप है, वहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि मार्केट में आप जब जाते हो तो आपको एक सिक्वेंस वाइज सब मिल जाती है, एक ऑर्डर वाइज आपको मिलता है कि हाँ यहाँ ये चीज़ मिलेगी, ये दुकान ये वाली चीज़ की है, ये दुकान इसकी है, ये दुकान इसकी है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑर्डर फॉलो हुआ है कि प्रॉपर ऑर्डर में सारी चीज़ क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ हमें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इजीली कोई भी हमें जो चाहिए हम वहाँ एंटर करके वो ले सकते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं रहता, बोर्ड नहीं लगा रहता, बैनर नहीं रहता, हम क्या सोचते, हमें तो पता ही नहीं कहाँ क्या मिलेगा, यहाँ जाओ तो कुछ और, वहाँ जाओ तो कुछ और, वहाँ जाओ तो कुछ और, आपको क्या चाहिए वो आपको पता है लेकिन कहाँ मिलेगा वो आपको पता नहीं, तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। उसी तरीके से यहाँ मैनेजमेंट में ये बताया गया कि प्रॉपर ऑर्डर फॉलो होना चाहिए जिससे कंपनी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। देन उसके बाद आता है हमारा इक्विटी। इक्विटी से क्या समझ में आता है, इक्विटी से समझ में आता है इक्वल, सुना होगा आपने इक्वल, इक्वल मतलब सबको एक तरीके से एक तरीके की ट्रीटमेंट देना, जैसे मिस्टर ए को भी ए। यहाँ अभी ट्रीटमेंट हम सैलरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि चाहे वो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं या लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, दोनों है तो एम्प्लॉय, राइट? तो दोनों के साथ जो ट्रीटमेंट करनी चाहिए, जैसे इनसे बात कर, मिस्टर ए से बात करने पे कि ये टॉप लेवल पे है तो हम इनसे आप करके बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं हाँ सर 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 सर, और मिस्टर सी जो लोअर लेवल पे है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते हाँ तू जा, एज नहीं, मतलब यहाँ ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि इक्विटी रखनी चाहिए हर इंसान को, हर मतलब जो भी लोअर लेवल पे मिडिल लेवल पे सबको अपना ओपिनियन वो दे सकते हैं, उनको जो भी शेयर करना है वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वो शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ इक्वल एक इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए वो इक्विटी में, ये पॉइंट पे बताया गया है मैनेजमेंट के कि बिजनेस में इस तरीके से इक्विटी रहनी चाहिए तभी बिजनेस ग्रो होगा। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल, एक जगह स्टिक रहना, स्टेबल रहना, थोड़े टाइम के लिए वहाँ रुकना, अब यहाँ रुका कहाँ जा रहा है, कहाँ स्टेबल हुआ जा रहा है। तो यहाँ स्टेबल की कंपनी जो हमारे अभी कंपनी है, एक कंपनी है उसमें जो न्यू एम्प्लॉयज आती है, तो यहाँ कंपनी को एक टेनर रहना चाहिए कि हाँ कंपनी को ये रूल्स बनाने चाहिए उनके जो भी रहते हैं उसके अंदर कि हाँ 6 मंथ वर्क करने के बाद या 2 ईयर्स वर्क करने के बाद आप परमानेंट हो जाए, या 5 ईयर्स के बाद जो भी है वो कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद, लेकिन एक टेन्योर रहना चाहिए जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय है वहाँ एक हम बोलते हैं ना इंटरेस्ट के साथ काम करेगा कि हाँ हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, आगे चल के कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा तो मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, वो अपना 100% देगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या, यहाँ हर कोई इनिशिएटिव ले सकता है, हर किसी को अलाव रहना चाहिए कि आपको अगर कुछ भी ओपिनियन शेयर करना है तो आप कर सकते हो, आपको कोई मतलब ओपिनियन देना है तो दो, आपको कुछ किसी की चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना है तो करो, कुछ गलत हो रहा है तो वो बता सकते हैं। हर चीज़ में इनिशिएटिव लेने का मतलब तुम्हारे पास राइट्स है चाहे तुम किसी भी लेवल से हो। तो ये हो गया हमारा इनिशिएटिव। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है स्क्रिप्ट द कॉप।
यहाँ क्या होता है, स्क्रिप्टेड क्रॉप्स का मतलब होता है यहाँ टीम वर्क, मतलब कि जो मैनेजमेंट में जो वर्क करना चाहिए वो टीम वर्क करना चाहिए, एक इंडिविजुअल के काम के हिसाब से नहीं करना चाहिए। जब सब मिलकर काम करेंगे किसी भी काम को, जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं हम, हाँ कॉलेज में फन फेयर है या कुछ भी है समझो, तो यहाँ क्या होता है कि अगर कॉलेज को डेकोरेट करना है स्टूडेंट की तरफ से या टीचर्स डे है, तो एक स्टूडेंट तो नहीं जाएगा ना पूरा क्लास डेकोरेट करने के लिए या कॉलेज स्कूल को डेकोरेट करने के लिए। यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे स्टूडेंट की है कि सब मिलकर क्या करें, कॉलेज को स्कूल को क्लास को अच्छे से डेकोरेट करें। तो अगर जब सब साथ में मिलके करेंगे तो काम जल्दी होगा और अच्छा होगा। तो इसलिए टीम वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी काम हो, नॉर्मल काम हो या बिजनेस वर्क हो, घर का काम हो। तो ये रहा हमारा लास्ट पॉइंट। आई होप समझा होगा कि हमारे 14 प्रिंसिपल किस बेसिस पे वर्क करते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो कि आगे सभी को ये अच्छे अच्छे टॉपिक मिले। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।